हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे चोको चिप्स। और यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि ये बनाने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या टिप्स हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाना है। चॉकलेट चिप्स घर में बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें जिससे हमारी चॉकलेट चिप्स एकदम अच्छी और शेप में बने। तो यहाँ पे आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, प्योर चॉकलेट, मोर्डे का, 2M का, वैनिलिया का, आप कोई भी चॉकलेट कंपाउंड ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करते ही देखेंगे आप उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड होती है। तो उस टाइम आप तुरंत बनाने लगेंगे चॉकलेट चिप्स। तो जब आप उसको ड्रॉप ड्रॉप्स डालेंगे बेकिंग पेपर पे, तो वो फ्लैट हो जाएगा, वो शेप नहीं ले पाएगा, जो चॉकलेट चिप का थोड़ा सा वो उठा हुआ जो शेप रहता है। तो उसके लिए हमें करना है ये कि पहले चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर ले, इस तरीके से उसको प्रेस कर ले मेल्ट करके, ताकि जो भी इसमें चंक्स हैं वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको हम एक मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और जब तक ये हमारा रेस्ट कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बेकिंग पेपर की ही ज़रूरत पड़ेगी, बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर। आप एल्यूमिनियम फॉइल पे भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं चॉकलेट चिप्स। दूसरा ये लगेगा, ये हमारा बैग, पॉलीथिन बैग है ट्राइंगल शेप का, पाइपिंग बैग कहते हैं इसको। इससे चॉकलेट को होल्ड करना थोड़ा सा आसान होता है। बाकी अगर आपके पास बेकिंग पेपर है या फिर वो भी नहीं है, तो आप प्लास्टिक की कोई पन्नी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उसका जो साइड का कॉर्नर है वो बहुत छोटा काटे। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग को मैं ग्लास में पहले फिक्स करने वाली हूँ। और ये देखिए, हमारी जो चॉकलेट है ये अभी भी लिक्विड है, हमें इतना ज़्यादा लिक्विड उसमें नहीं रखना है। गर्मी के मौसम में इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठंड के मौसम में आपको इतनी देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ठंड के मौसम में आपको इसे चॉको चिप्स को फ्रिज में सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो रूम टेम्परेचर पे ही सेट हो जाएगा। तो फिलहाल की इतनी गर्मी में, मई जून की गर्मी में, ये ऐसा होता है कि इसको आप काफ़ी देर भी छोड़ सकते हैं रूम पे, ये मेल्ट ही रहेगा। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए और रेस्ट देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं इसको मेल्ट होने के बाद रेस्ट दिए हुए। अब इस चॉकलेट को मैं डालूँगी हमारे पाइपिंग बैग में। इसको इस तरीके से मोड़ ले। और अब हमें इसको देना है इस तरीके से, पाइपिंग बैग को उल्टा कर ले और ऊपर से हम कट देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा भी कट ना दे और बहुत ज्यादा छोटा भी ना दे। तो ये देखिए, ये अभी भी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में है। तो अगर आपने पहले कभी बनाया हो तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से मिस्टेक्स आपके भी होती होंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको और जमने का वेट करना है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब हम चॉकलेट को, सोचिए गर्मी का टाइम है, ये अभी तक 5 मिनट रखने के बाद भी सेट नहीं हुआ है, हमें चॉकलेट को थोड़ा सा गाढ़ा होने का वेट करना है और उसके बाद हम इसकी चॉकलेट चिप्स बनाएंगे। पाइपिंग बैग को कभी भी इस तरीके से सीधा ना पकड़े, हमेशा इसको लेटा के इस तरीके से रखें ताकि आपकी जो चॉकलेट है वो आराम से निकले, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं। अगर आप पाइपिंग बैग को सीधा खड़ा कर देंगे तो आपकी चॉकलेट बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगेगी
और आप उसका शेप होल्ड नहीं करवा पाएंगे। ये देखिए आपकी चॉकलेट जैसे जैसे थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी वो अच्छा शेप होल्ड करने लगेगी, और थोड़े से मोटे मोटे ही आप बनाएं चॉको चिप्स, क्योंकि अगर आप पतले बनाएंगे या फिर थोड़ा जो फ्लैट हो जाएगा तो वो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और यूँ कह लीजिए कि गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि वो चिपक चिपका ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ साइज ही नहीं होगा जिस वजह से उसको हम निकाल पाएं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें चॉकलेट का गाढ़ा होने का, और इस तरीके से आप घर में ही बनाएं। इसके अलावा मैं आपको मैं जैसे खुद एक बेकर हूँ तो मैंने भी सोचा था कि मैं इसका सिलिकॉन मोल्ड ले लूँ चॉको चिप्स बनाने का कि कितने अच्छे शेप में बनेगा, पर फिर मैंने ये सोचा कि जैसे अगर 200-250 अगर चॉको चिप्स शेप का अगर मैं मोल्ड ले लेती हूँ उसको बनाने में तो दिक्कत नहीं है, पर जब वो उसमें चॉको चिप्स सेट हो जाएगी उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा। वो सिलिकॉन मोल्ड से ऐसा तो होता नहीं है कि आप उसको पलट दें और वो एकदम से निकल जाए, तो उससे ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप रुपये उसमें वेस्ट ना करें और घर पे इसी तरीके से आप अपने चॉको चिप्स बनाएं। फ्रिज में आप एक साथ बड़ी शीट नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और मैं दूसरी साइड एक बार फिर से यहाँ चॉको चिप्स बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चॉको चिप्स हैं वो मैंने अच्छे से ड्रॉप करके डाल दिया। आप इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आई है, शेप भी इसके थोड़े मोती जैसे गोल गोल और मोटे आए हैं। तो इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए, उसके बाद ही ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे बाद में कैसे निकालना है। तो यहाँ पे 15 मिनट में हमारी जो चॉको चिप्स है वो फ्रिज में अच्छे से सेट हो गई, और आप इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप ही इसमें से निकल जाएगी। देखिए जब अच्छे से हमारी चॉको चिप्स जम जाती है फ्रिज में सेट होके तो आपको इसको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरफ से इस तरीके से इसको निकालते जाएं, और ये जैसे इस तरीके से भी निकल रहे हैं, तो जब ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं फ्रिज में जब हम इसको स्टोर करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे ये आराम से निकल जाएगी, अलग अलग हो जाएगी शेप में। इसलिए आपको चिंता नहीं कि इसको आपको एक एक इस तरीके से हटाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चॉको चिप्स बनके तैयार है, और बस इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो जिस बाउल में आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद आपको उसे 5-6 मिनट चॉकलेट को थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है, उसके बाद आपको इसके चॉको चिप्स बनाने हैं। और तीसरा ये कि पाइपिंग बैग को कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में ना पकड़े, हमेशा थोड़ा सा लेटा के पकड़े ताकि आप उसको शेप होल्ड करवा सके जो आपके चॉको चिप्स हैं। और तीसरा ये इसको हम एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करेंगे और रखेंगे इसको फ्रिज में। ठंड का सीज़न रहता है तो आप इसको रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, पर जब गर्मी का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो तो उस टाइम पर आपको इसे स्टोर करना है फ्रिज में। आप इसे रूम टेम्परेचर पर सेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मेल्ट हो जाएगी, पर गर्मी की वजह से ही आपस में चिपक जाएगी। तो जब आप इसको केक पे डेकोरेशन के लिए या फिर चॉकलेट कुकीज़ किसी पे भी डालने के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपस में चिपकी चिपकी सी होगी, तो आपको भी यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।